जिस नेता को मीडिया चोर कहे, मान लीजिए कि वो बहुजन समाज का सबसे बड़ा हितैषी है, वो गाय गोबर गौमूत्र पर वोट करता है, उसको मुसलमान टाइट चाहिए, उसको जाति व्यवस्था बनाए रखनी है, तो इसके खिलाफ लड़ाई कैसे होगी? जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। एक जगह आपकी जाति पीछा छोड़ती है, आप सब्जी बेचिए, ड्राइवर बन जाइए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, आप जैसे ही कलेक्टर एसपी डीएम बनेंगे, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वी द पीपुल का और इस संगठन का। मुझे लगता था कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी पहली मीटिंग थी इन लोगों के साथ, बहुत खराब अनुभव था। मैंने कहा था कि कम से कम ओबीसी कुछ नहीं कर पा रहा है। इस देश में पूरी लड़ाई शेड्यूल कास्ट लड़ रहा है, आरक्षण बचाने की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, और चंदा दे के पार्टी भी चला रहा है। लेकिन मुझे एक इतिहास भी मेरे सामने आया, जैसे जैसे मैं सोशल मीडिया पर आया, फूले पेरियार गायकवाड़, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, तमाम इतिहास है ओबीसी के लोगों का, जिन्होंने उस समय जिनको अछूत कहा गया उनके साथ मजबूती से खड़े रहे, फूलन देवी। तो ये ओबीसी का एक बड़ा गौरवमय इतिहास है, लेकिन हम लोग चुप हो जाते हैं। मैं जब से सोशल मीडिया पर टीवी छोड़ के आया, मुझे लोगों ने कहा कि ओबीसी सबसे ज्यादा झंडा उठाता है बीजेपी का, या मनुवाद का, जातिवाद का, ब्राह्मणवाद का। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन सवाल है कि इसके पीछे की वजह क्या है। वजह यह है कि हमारे पास अनिल जी जैसे लोग नहीं है, वी द पीपुल जैसी संस्थाएं नहीं है, जो कम से कम तमाम परिस्थितियों में पैगाम जैसे इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो अपने पैकेट से खर्चा करके आप जैसे लोग आते हैं, और आप जैसे लोग नहीं है जो कम से कम वक्त तो निकाल रहे हैं। सब अपना टाइम निकाल के आए होंगे, आज वर्किंग डे है, किसी को कुछ पैसा नहीं मिला होगा, हो सकता है आप लोग का अपना खर्चा हुआ होगा। लेकिन संकट बहुत गहरा है साहब, इतना गहरा है कि जो घर में बैठेगा, मारा तो वो भी जाएगा, हो सकता है थोड़ा लेट से मरे, लेकिन इतना तय है कि उसकी मौत पर न कोई जानने आएगा, ना आंसू बहाने आएगा, और वो रोज तिल तिल कर मर रहा है, रतनलाल जी ने कहा है। आप सोचिए कि इस देश में क्या वजह है कि 90% लोग लाचार, बेबस और गरीब हैं। इस सभागार में कम से कम जितने ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं, जाति के हिसाब से उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से ऊपर रखा गया है, वो कलेजा पर हाथ रख के बताएं, चाहे वो कलेक्टर हो, आईएएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्या वो सम्मान से नौकरी कर पा रहे हैं बिना समझौता के? जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। एक जगह आपकी जाति पीछा छोड़ती है, आप सब्जी बेचिए, ड्राइवर बन जाइए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, आप जैसे ही कलेक्टर एसपी डीएम बनेंगे, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये जो वी द पीपुल के लोग हैं, ये जो शानदार काम कर रहे हैं, मैं इनको शुक्रिया कहने के लिए आया था। नेशनल दस्तक आप सब लोग देखते होंगे, मुझे रोज एक कॉल आता है कि आपको डर नहीं लगता आपको मार दिया जाएगा? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं बहुत शर्मिंदा होता हूं कि जिनके पुरखे शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके तलवार के डर से लोग कांपते थे, जिसका अखंड भारत पर राज था, उनके वंशज बात करने में डरते हैं, और वो भी किनके सामने, जो कभी मुगलों के यहां चाटुकारिता किए, जो कभी अंग्रेजों के चाटुकारिता किए, जिस समाज ने फूलन देवी जैसी बेटी पैदा किया हो, उसको डरने की जरूरत है? यह हमारे दिमाग में, जेहन में बैठा दिया गया है, और मैं लिख के दे रहा हूं, पिछले 25 सालों तक कोई भी एससी एसटी ओबीसी का नेता सत्ता में नहीं आएगा, ना उसकी पार्टी आएगी। जानते हैं वजह क्या है? वजह है जो इस देश के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी हैं, उनका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, उसे बात करके देख लीजिए, वो एक ही बात बोलता है कि एससी एसटी ओबीसी, इसका आरक्षण खत्म करना है, इसको सिस्टम से बाहर करना है, ये नीच जात है। आप नहीं भरोसा है तो प्राइवेट में बात करके देख लीजिए। और उसी तरह से हमारा, आप एक प्रैक्टिकल कीजिए। मैं भी गांव गया था, मेरा भाई एक 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 मनुवादी था, वो स्कूल नहीं गया है, पूजा पाठ कराता है, मुझसे बहस करने लगा,
और एक लाइन में आरक्षण की धज्जी उड़ा गया। वो बोली की कमाई खा रहे हैं, बोली की। आप लोग का इस देश का 90% आबादी वोट कर रहा है टीवी और अखबार पढ़ के, और अब तो उसकी भी नौबत नहीं आ रही है। सोचिए इस देश में चुनाव आयोग कब ईमानदार हुआ, जब लालू यादव को हराना था। कौन आया? टीएन सेशन। हम सबको लगता था अरे बाप रे, इस देश में चोर कौन है? मीडिया ने आपके कान में डाल दिया कि पांच ही नेता चोर है, मायावती, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, करुणानिधि जो मुख्यमंत्री बने हैं, लालू यादव जेल में भी है, अब बाकी लोग मनरेगा में मजदूरी करके बिल्डिंग बनाए हुए हैं। सोचिए शहरों पर किसका कब्जा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके पास है, सोने की दुकानें किसके पास है, सीए कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, बड़े बड़े बैंक में मैनेजर कौन है? आप क्या हैं? आप मजदूर हैं हम लोग, और मजदूर को इतनी जान की चिंता? सबसे ज्यादा डरपोक समाज हो गए हम लोग, और इसकी वजह है कि हमारे जो नेता हैं नए वाले, अरे परसब की पीड़ा तो वही बताएगी ना जिसने बच्चा जना है, जिनके पांव ही नहीं फटे हैं वो क्या जानने गया। बहुजन समाज को अगर किसी से सीखना है तो वो आरएसएस से और बीजेपी से सीखना चाहिए। वो उसको नेता बनाता है जो सड़क पर खाक छान के आया है। नहीं हरा सकते अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मोदी को, क्योंकि वो 40 साल खाक छान के आया है। उसको पता है कब आदिवासी राष्ट्रपति बनाना है, कब दलित को राष्ट्रपति बनाना है, कब किसको संसद भेजना है, और कब उसकी मार्केटिंग करनी है। आपके नेता को नहीं पता है, उसको तो अपना पत्रकार नहीं पता है। मैंने 15 साल काम किया है टेलीविजन में, मैं जानता हूं कैसे ये सरकार मीडिया के दम पे चल रही है। आज संसद में सांसद साहब बैठे हुए हैं, विपक्ष ने वॉकआउट किया है महंगाई को लेकर, कहीं खबर है क्या? कैसे पता चलेगा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसका एक ही तरीका है, जो समाज बोलेगा नहीं वो कंधों पर लाश उठाएगा। आपके पास न टीवी है न अखबार है। शुक्रिया वी द पीपुल के लोग, जो जनहित आवाज और वॉयस ऑफ द पीपुल अपना खर्चा अपना पैसा दे के चला रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, आप लोग नेता उनको चुनिए जो गरीबी से लड़के आया है, सड़कों पर खाक छाना है। अब बताइए निषाद जी हैं, इन्होंने गरीबी देखी है, तमाम राजनीतिक पार्टी देखी है, इनका बेटा बढ़िया स्कूल में पढ़ेगा, कैम्ब्रिज जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। हमारे नेता पता क्या करते हैं? नेहरू ने इंदिरा गांधी को संसद नहीं भेजा, इंदिरा गांधी तब संसद आई जब नेहरू जी नहीं रहे। लेकिन उससे पहले नेहरू जी क्या करते थे? चिट्ठियां लिखते थे अपनी बेटी को, आइडियोलॉजी समझाते थे, और जब इंदिरा आई तो नेहरू से ज्यादा राज करती अगर उनकी हत्या नहीं होती तो। हमारे नेता क्या कर रहे हैं? पहले बाल बच्चा को विधानसभा और लोकसभा भेज देते हैं, और जब तक उसको समझ में आता है कि हम पर जलधड़ी हो रहा है, हम तो शूद्र है अछूत है, तब तक सत्ता निकल चुकी होती है। आपको क्या लग रहा है? रोड बनाने से, पुल बनाने से, बिजली बनाने से सवर्ण समाज आपको वोट दे देगा? अरे उसका तो शहर भी है, जमीन भी है, पुल भी है, रोड भी है। वो गाय गोबर गौमूत्र पर वोट करता है, उसको मुसलमान टाइट चाहिए, उसको जाति व्यवस्था बनाए रखनी है, तो इसके खिलाफ लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई वही है जो फूले परियार अंबेडकर फूलंदेवी का रास्ता है, सोशल जस्टिस का रास्ता है। और आप सब जिस दिन बोलने लगे, आप लोग जिस दिन बोलने लगेंगे, सिर्फ बोलने की बात है, अपनी बात कहने की बात है, आपके जेहन में जो डर है उस डर को निकालना पड़ेगा। आपके नेताओं को चोर कहता है मीडिया, उसका बायकॉट करना पड़ेगा। यकीन मानिए मुझे चौधरी चरण सिंह की इस लाइन पर पूरा भरोसा है। जिस नेता को मीडिया चोर कहे, मान लीजिए कि वो बहुजन समाज का सबसे बड़ा हितैषी है। मैं मीडिया में नौकरी करता था, इंडिया टीवी में, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, 500 करोड़ का एडवर्टीजमेंट था रजत शर्मा को, और जैसे ही एडवर्टीजमेंट खत्म होता था बीएसपी का, नीचे हम मैं खुद ब्रेकिंग टाइप करता था, रनडाउन प्रोड्यूसर था, मायावती ने बनाया पार्क। बताइए मायावती जी का बनाया हुआ पार्क आज सरकार को रेवेन्यू दे रहा है, और कैसे उनकी सत्ता चली गई। अखिलेश जी का बनाया हुआ मेट्रो मजे कर रहे हैं लोग, स्टेडियम बना दिया, सत्ता चली गई। क्यों?
क्योंकि आपने अपने आइडियोलॉजी पर काम नहीं किया। जब तक आइडियोलॉजी बीजेपी का गाय गोबर, क्या लगता है आपको बेवकूफ लोग है वो कि गाय गोबर गौमूत्र करते दिन रात, वोट मिलता है उनको, उनको पता है इस देश का आदिवासी पिछड़ा और दलित धर्म के नाम पर वोट देता है, इसलिए वो गाय गोबर गौमूत्र करते हैं। उनको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा बेटा कलेक्टर एसपी बनेगा तभी हमारा भला है। कल संदीप ने सर्वे किया कांवड़ ढोने वालों से, धर्म की आपकी भावनाएं आहत होनी चाहिए, आहत कीजिए। जिस धर्म ने हमें गरीब बना रखा है, लाचार बना रखा है, बेबस बना रखा है, हमें उससे निकलना पड़ेगा, हमें सम्राट अशोक के रास्ते पर जाना पड़ेगा। और जब तक ये बात चीख चीख कर नहीं बोलेंगे आप, सत्ता तो दूर की बात है, आप अपना सम्मान भी आप लोग नहीं बचा पाएंगे। जितनी ज्यादा बीजेपी की सरकार रहेगी, सबन लीडरशिप वाली पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ममता बनर्जी हो, बीजू जनता दल हो, उतनी ओबीसी की संख्या घटेगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि एससी एसटी का रिजर्व है। ओबीसी जनरल सीट पर चुनाव लड़के आता है, ये 50% वाला ओबीसी की यह हैसियत हो गई है कि जाति जनगणना नहीं करा सकता है। आज फौज में किसका बेटा जाता था, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान, 4 साल बाद आपके बेटे को निकाला जाएगा, इसलिए जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। बहुत घनघोर खतरा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोचिए मीडिया में कौन है, जुडिशियरी में कौन है, ब्यूरोक्रेसी में कौन है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन है। और विडंबना यह हो गई है कि जो आपका नेता है नया दौर का, उसको नहीं पता है ये सब चीजें, क्योंकि उसने सड़क पर पत्थर नहीं तोड़ा है, उसने खेत नहीं जोते हैं। मैं चाहता भी नहीं कि वो जोते, लेकिन नेता आपको उसको बनाना पड़ेगा जो सड़क से निकल कर आया है, जिसको देश का नब्ज पता है, जिसको पता है कब क्या फैसला लेना है। आपको क्या लगता है मोदी जी अंबानी अडानी के दोस्त अभी हो गए हैं? ऐसे नेताओं की बड़ी लिस्ट है आरएसएस के पास और बीजेपी के पास। हारे हुए ओबीसी को डिप्टी सीएम बनाता है, क्योंकि उसको पता है जो रतनलाल जी ने कहा कि हमारा नेता जब जाता है तो जमात लेके जाता है, हम लोग को तय करना पड़ेगा। बीपी सिंह भी नेता थे, सबर्ण समाज से थे, अर्जुन सिंह भी सबर्ण समाज से थे, लेकिन उन्होंने हमें दिया, हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। जो लोग सोशल जस्टिस की लड़ाई में हमारे साथ हैं, हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अखिलेश यादव की पार्टी में ए से लेकर जेड तक ब्राह्मण समाज के लोग एमपी एमएलए बन जाए, क्या उसमें आरक्षण के खिलाफ बात करेंगे? लेकिन तब ना, जब हमारे नेता को ही आरक्षण पता हो। मायावती जी की पार्टी में क्या किया मायावती जी ने, भारत के इतिहास में 5 साल में एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने लकीर खींची थी आइडियोलॉजी की, वो कोई और नहीं खींच पाया, इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया मीडिया के दम पर और कुछ गिने चुने वकील लोग। नीतीश जी के साथ क्या हो रहा है, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए भी कल्चरल हेजमनी का काम कर रहे हैं, बुद्धिजम पर काम कर रहे हैं, उनका क्या हाल करके रखा है। लालू यादव जेल में है। हमें सड़क का नेता चुनना पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा, नहीं तो यकीन मानिए हम मजदूर थे, अब मजबूर हैं और बाद में गुलाम बना दिए जाएंगे। और ऐसा हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में शेड्यूल कास्ट ग्लोबली यूनाइट समाज है। आज शेड्यूल कास्ट यूपी में 2 शेड्यूल कास्ट की हत्या हुई, दोनों को मुआवजा देना पड़ा, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जेल गए लोग। आज ओबीसी के लोगों से कहना चाह रहा हूं, तुम लोग जो जाति के नाम पर गांवों में जो अत्याचार कर रहे हो, तुम बच नहीं पाओगे, जेल जाओगे, तुम्हारे बच्चे का अंगूठा काटा जा रहा है। बहुत जातिवाद महीन हो गया है, ओबीसी के लोग गांव में जाति का अहंकार दिखा रहे हैं और उनका बच्चा जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको भी जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। हमें गांव के जातिवाद से निकल के जो शहरों में जो जातिवाद आ गया है, मल्टी स्टोरीज में जो जातिवाद आ गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो जातिवाद है, उसके खिलाफ लड़ना है। अब आपको जो मनुवादी और जातिवादी हैं, उनको आपके सब्जी बेचने से प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी चलाने से प्रॉब्लम नहीं है, आप ड्राइवर बन जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है कि तुम जज कैसे बनोगे, आईएएस कैसे बनोगे। इसलिए लेटरल एंट्री कर दिया, क्योंकि ओबीसी के बच्चे नीट में, आईआईटी में, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहे थे, कहां तक लड़ोगे आप? एक एक पग पर उनका इस तरह से चल रहा है। अगर आप लोगों ने तय कर लिया है कि मजदूर बनकर, लाचार बनकर, नौकर बनकर,
बेबस बनकर जीना है तो आपको जिंदगी मुबारक हो, मुझे शानदार मौत चाहिए और इसलिए मैं फूले परियार अम्बेडकर की बात करता हूं। आके मार दो मुझे, रोज धमकियां मिल रही है, जेल में डाले जा रहे हैं, मुझे रोज 100 कॉल आते हैं, बंद करो नेशनल दस्तक। यूपी का एक एसपी वो सोशल मीडिया पर बात कर रहा था कि दिलीप मंडल और नेशनल दस्तक को ठिकाने लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसी हिम्मत हो रही है? हमारी संख्या इतनी है कि सड़क पर डेमोक्रेटिक तरीके से खड़े हो जाए तो कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि हम डरे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं। दर्जनों ओबीसी के लोगों की हत्या हुई है बिहार और यूपी में, नाम लेने वाला नहीं है, मुआवजा तक नहीं मिला आपको। आपसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग ग्लोबलाइज हैं और यूनाइट हैं, वो अपने बच्चों को करोड़ों रुपए जमा करके पैसा देके विदेश पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ओबीसी के लोग? सबसे डरपोक लोग हो गए हैं ओबीसी कम्युनिटी के लोग, जिनके पास थोड़ी जमीन भी है, पढ़ाई लिखाई भी है, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं और इसलिए सत्ता किसी और के पास जा रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इस देश में डेमोक्रेसी है, सबको बराबर का सम्मान मिले। जाति और धर्म के नाम पर जो शोषण हो रहा है वो रुकना चाहिए। हम नहीं चाहते आप किसी से कोई फेवर, लेकिन जो बच्चे हमारे क्वालिफाई करते हैं आईआईटी में, नीट में, तुम उनका अंगूठा काट लोगे, वाइवा में नंबर कम दोगे, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये आरक्षण की लड़ाई मजबूत करनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, टोकनिज्म चल रहा है, आपको आज दलित राष्ट्रपति दिखाया जा रहा है, आपको आज ट्राइबल राष्ट्रपति दिखाया जा रहा है। आप देखिए कि उनकी नरसिंह कहां हुई है, उनकी पूरी परवरिश कहां हुई है, उनकी विचारधारा क्या है। हमें अपने विचारधारा वाले लोगों को चुनना पड़ेगा, जिनको SC ST OBC गरीब का दर्द पता है, जो संविधान का सम्मान करते हैं। और सबसे लास्ट में एक बात कह रहा हूं, आप लोग जिंदा लाश में तब्दील हो जाएंगे अगर उन लोगों के साथ खड़े न हुए जो आज जेल जा रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल के साथ देश खड़ा नहीं होता तो ये पुलिस उनको जमानत नहीं मिलती, टेस्ट कर रहे थे वो। लेकिन मैं रतन लाल जी खुशकिस्मत हैं कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में पैदा हुए हैं और उनका समाज उनके साथ है। ओबीसी के लोग इतने खुशकिस्मत नहीं है। अरे आपका तो नामलेवा नहीं है कोई, 15-15 साल लोग मुख्यमंत्री बन के रहे, कोई लकीर नहीं खींचा इन लोगों ने। आप सड़क का नेता चुनिए जो दिन भर आपके साथ रहता हो, उसकी जाति कोई भी हो। बीजेपी सारे ओबीसी के नेताओं को जगह दे रही है ना, ओबीसी वाले को जगह दे रहा है ना जी, कहां काम हो रहा है। आज यूपी में एक शेड्यूल कास्ट के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वो चिट्ठी में वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो चिट्ठी पढ़ेंगे तो रो देंगे। उस मंत्री जी ने लिखा है कि सेक्रेटरी हमारा फोन ही नहीं उठाता है, राज्य मंत्री का सेक्रेटरी फोन नहीं उठा रहा है। रामविलास जी नहीं रहे, लास्ट बातचीत थी मेरी उनसे पत्रकार के तौर पर, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार, मैंने 5-5, 6-6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है, पहली बार मुझे लग रहा है कि अब मैं सिग्नेचर वाला मिनिस्टर भी नहीं हूं, मैं अपने मर्जी से सिग्नेचर भी नहीं कर सकता हूं, सब कुछ कंट्रोल हो गया है। और कोशिश है कि इस देश की 60% आबादी SC ST OBC को, खासकर ओबीसी को, कर्मकांड में धकेल दिया जाए, लाचार मजदूर और मजबूर कर दिया जाए, और आपका बच्चा मजदूर पैदा होगा। लिख लीजिए, न कॉलेज बचा है, न यूनिवर्सिटी बची है, न फौज की नौकरी बची है, बिजनेस आपके बस में अभी भी नहीं है, करके दिखाइए बिजनेस। भाई साहब, अब जातिवाद गांव में नहीं है, जातिवाद मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, संसद में है और बिजनेस में है। आप करके दिखाइए, अब 10 करोड़ रुपया का इंतजाम करके दिखाइए। 10 करोड़ छोड़िए, 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाले पर आईटी का रेड पड़ रहा है और 24,000 करोड़ रुपए लेके लोग भाग जा रहा है। मायावती के यहां रोज, मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इसके खिलाफ रोज केस दर्ज होता है। ये सब उन्हीं का पाप है जो उनका, मैं तो चाहता हूं इस देश में राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जेल हो, तभी तो उनको पता चलेगा कि CBI का कितना लोगों ने दुरुपयोग किया है। बीजेपी वही कर रही है जो रास्ता कांग्रेस ने खोला था। इसलिए हमें बहुजन समाज के तौर पे एकजुट होना पड़ेगा, हमें सड़क से निकले नेताओं का साथ देना पड़ेगा और जाति और धर्म छोड़ के देखना पड़ेगा कि कौन लोग सोशल जस्टिस के सिपाही हैं, उनके साथ खड़ा होना होगा। और आज के दौर में
मोदी जी का क्लियर फंडा है। एकदम आरएसएस के लोगों से रोज मिलता हूं, किसी बड़े मछली पर हाथ नहीं डालना है। वो मायावती जी को जेल में डाल दे, पूरा खेल पलट जाएगा, आज के आज पूरा देश खड़ा हो जाएगा उनके साथ। वो अखिलेश यादव को जेल में डाल के दिखा दे, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। हो सकता है ओबीसी वाले पर तो मुझे शक नहीं है, लालू जी जेल में कोई नहीं खड़ा हो रहा है, लेकिन मायावती पर हाथ डाल के दिखा दे, ये पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। वो नहीं कर रहे ऐसा, वो हमारे जैसे रतनलाल जी जैसे छोटी छोटी मछलियां ढूंढ रहे हैं और उसका प्रचार करते हैं। जुबैर को गिरफ्तार कर लेंगे, प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार कर लेंगे, ताकि बाकी लोग न बोले। इसका एक ही रास्ता है, मीडिया मीडिया मीडिया। अब टीवी अखबार की हमारी हैसियत नहीं है, सोशल मीडिया पर आप लोग लिखिए, पढ़िए, बोलिए। आप सोचिए, सोशल मीडिया नहीं होता तो एक सफाई कर्मचारी मथुरा में उसको नौकरी से निकाल दिया कि गटर में योगी जी और मोदी जी का फोटो था भाई साहब। और अगले दिन जब सोशल मीडिया पर खबर चली तो पैर पकड़ने चले गए उसके। नौकरी कितने की है? 5,000 की। मैं तमाम ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम प्रोग्रेसिव लोगों से, कि आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, जो भी सफाई कर्मचारी उसको कहिए, और आप भी दीजिए, कि तुम 30,000 से 40,000 से कम पैसे पर अगर तुमको कचरा उठाना पड़े तो उसके मुंह पर कचरा फेंक दो, गुटखा बेचो, खाना बनाओ, दूसरा काम करो, छोड़ दो सफाई का काम, वो लोग करें जो कचरा पैदा करते हैं। हमें अपनी लाचारी बेबसी से निकलने का एक ही रास्ता है, स्वाभिमान। हम ऐसा काम चुनेंगे जिसमें हमारा सम्मान बना रहे। और सुन लीजिए, ये सब भाषण देने से ही होगा। इस देश पर जिन लोगों का कब्जा है वो राशन नहीं दे पा रहे, भाषण दे रहे हैं। जिस दिन हम लोगों ने बोलना सीख लिया, हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। और हमारा तो इतिहास है बाप दादाओं का, हम लोग किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ हैं। एक खबर बता दीजिए इस देश में, किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के किसी आईएएस कलेक्टर मंत्री ने जाति के आधार पर किसी ऊंची जाति के लोग को प्रताड़ित किया हो। हमारे डीएनए में नहीं है, हम अशोक को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम अत्याचार कर ही नहीं सकते हैं, हम अत्याचार सह रहे हैं सदियों से। और इसका एक ही तरीका है, संवैधानिक तरीके से अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना होगा। और जो लोग को, एक लास्ट बात बता रहा हूं, जो एससी एसटी ओबीसी के लोग समझ रहे हैं ना कि हम कलेक्टर बन गए हैं, मंत्री बने हुए हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा, जाति कभी जाति नहीं है। जिस दिन आप मंत्री से हट जाएंगे ना, आपके बच्चे की बारी आएगी। 3,00,000 लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग जेल में बैठे हुए बिना ट्रायल के, जेल में बंद है, हीरा चोरी के आरोप में। हीरा चोरी वाला विदेश जाके मजे मार रहा है। एक आईएएस बता दीजिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताइए, एक मंत्री बताइए एससी एसटी ओबीसी का जो 500 करोड़ का मालिक हो, 500 करोड़ का मालिक हो। विजिलेंस की चेकिंग में सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी कर्मचारी फंसाए जाते हैं, बताइए। 1 रुपए का, 2,000 का जुर्माना हो गया विजय माल्या पर, अद्भुत है भाई साहब, अद्भुत अद्भुत है ना, कैसे चल रहा है देश। ये सब चल रहा है बैंकों में आपके सेविंग अकाउंट्स हैं। हमें कई तरह से काम करना पड़ेगा जो बीदा पीपुल के लोग कर रहे हैं। हमें इकोनॉमी पर काम करना होगा, सोशल जस्टिस पे काम करना होगा, और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर का जो डर है मरने का वो खत्म करना पड़ेगा। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। अगर कोई बात आप लोग को ज्यादा बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी पूरी लड़ाई सम्मान से जीने की है। जलालत की जिंदगी मुबारक हो, मैं सम्मान से मरना पसंद करूंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।